अगर ऑफ रोडिंग की बात हो रही है और थार का नाम ना है, ये हो नहीं सकता। बरसों से ये गाड़ी इंडियन मार्केट में ऑफ रोडिंग सेगमेंट में राज करे। इस गाड़ी की लुक डिजाइन परफॉर्मेंस ऐसी है कि किसी को भी इम्प्रेस कर सकती है। अपने मारुति की जिम्मी को सुना होगा कि वो जल्दी इंडिया में लॉन्च हो रही है, लेकिन अब थार को टक्कर देने जल्द ही जीप की रेंगलर को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर देखती हैं और सामने से देखने पर शायद एक बार आप कंफ्यूज हो जाएं कि इनमें से कौन सी महिंद्रा की थार है और कौन सी जीप की रेंगलर। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों के एंसेस्टर यानी जो इनके पूर्वज हैं वो बिली जीप है, तो जाहिर सी बात है इनका डीएनए भी सेम होगा। इसी वजह से ये काफी हद तक शायद सिमिलर दिखते हैं। अब इसको लेके जीप ने कई बार महिंद्रा पे डिजाइन इंफ्रिंजमेंट का केस भी किया, लेकिन एज यू नो दैट जीप यहां कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जीप की पैरेंट कंपनी बिली जीप ने महिंद्रा को इंडिया में बनाने का लाइसेंस दे चुकी है। जहां महिंद्रा थार की कीमत 13,59,000 रुपए से लेकर 14,28,000 रुपए तक है, वहीं जीप रेंजर की अनलिमिटेड बैरेंट की कीमत 57,85,000 रुपए से शुरू होकर रूबिकॉन बैरेंट की कीमत 61,85,000 रुपए, जो कि महिंद्रा थार से लगभग 40 से 45 लाख रुपए महंगी है। यानी आप जितने में एक जीप की रेंगलर खरीदेंगे उतने में आप चार महिंद्रा थार खरीद सकते हैं। अब अगर बात करें इंजन परफॉर्मेंस की, तो थार में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है आपको 1197 सीसी का 2 लीटर 4 सिलेंडर एम स्टीरियन 150 टीजीवीआई पावरफुल पेट्रोल इंजन, जो कि 3750 आरपीएम पे 150 बीएसपी की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं थार के दूसरे इंजन ऑप्शन में आपको मिलता है 2184 सीसी का 2 लीटर 4 सिलेंडर एम हॉक 130 डीजल इंजन, जो कि 3750 आरपीएम पे 130 बीएसपी की पावर और 300 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। थार में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं। ये गाड़ी 1 लीटर में लगभग 15 किलोमीटर की माइलेज आराम से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ जीप रेंगलर में आपको 1197 सीसी का 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 5250 आरपीएम पे लगभग 268 बीएचपी की पावर और 3000 आरपीएम पे लगभग 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी केवल आपको पेट्रोल इंजन में मिलती है। मे बी जब इंडिया में लॉन्च हो तो शायद आपको डीजल इंजन का ऑप्शन भी देखने को मिले। ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलती है, जिसके अनलिमिटेड वेरिएंट की कीमत लगभग 57,85,000 रुपए और रूबिकॉन वेरिएंट की कीमत लगभग 61,85,000 रुपए, जो कि थार से लगभग 40 से 45 लाख रुपए महंगी है। बेसिक यहाँ जीप रेंगलर का इंजन महिंद्रा की थार से काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि थार से लगभग 118 बीएचपी की पावर ज्यादा जनरेट करता है। लेकिन इतनी पावर का क्या करना है, खेत थोड़ी ना जोतना। थार में भी आपको ऑफ रोडिंग करने के लिए पर्याप्त पावर मिलती है, जो कि हर तरह के ट्रेन के लिए फिट है। बात करें अगर सेफ्टी फीचर्स की, तो महिंद्रा थार को ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 में से 4 स्टार मिले, जो कि काफी ज्यादा सेफ है। वहीं पे जीप रेंगलर को यूरो एनसीपी कैप में 1 स्टार मिले। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में महिंद्रा थार यहाँ पे क्लियर विनर है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको एबीएस ईबीडी, थार में आपको 2 एयरबैग्स जबकि रेंगलर में आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं। इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में आपको पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ओवर स्पीड वार्निंग, हिल असिस्ट जैसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फीचर है जो आपको जीप रेंगलर में मिलते हैं पर महिंद्रा की थार में नहीं मिलते, जैसे ऑटोमेटिक हेडलाइट, रियर डिफॉगर, एलईडी हेडलाइट जैसे फीचर आपको महिंद्रा की थार में नहीं मिलते जबकि ये जीप के रेंगलर में मिल जाते हैं। बात करें कंफर्ट और कन्वीनियंस की, तो दोनों गाड़ियों में आपको इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वॉइस कमांड, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, पावर विंडोज, क्लाइमेट कंट्रोल, एयर कंडीशन, एडजस्टेबल ओआरबीएम जैसे फीचर दोनों गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जीप रेंगलर में कुछ आपको एक्स्ट्रा कन्वीनियंट फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड रियर में आर्मरेस्ट, पुश स्टार्ट बटन जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। लेकिन फिर वही बात, क्या आप इतने से फीचर के लिए इतना सारा पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। फाइनली मेरा ऐसा मानना है कि जीप रेंगलर काफी ज्यादा पावरफुल ऑफ रोडर है, लेकिन जो इसकी प्राइस है वो थार के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो जैसा आप जानते हो कि इंडियन कस्टमर प्राइस को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे में जीप रेंगलर को अगर इंडिया में लॉन्च करती है तो उसका थार से मुकाबला करना काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि थार का प्राइस जीप से काफी ज्यादा कम है। दूसरी तरफ थार की इतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू बढ़ चुकी है कि वो महिंद्रा के नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से बिकती है, तो ऐसे में जीप के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो उसका कॉम्पिटिशन कर पाए। दोस्तों इस बारे में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि जीप की रेंगलर जो है महिंद्रा थार को टक्कर दे पाएगी? इसके अलावा इन दोनों गाड़ी में आपको कौन सी ज्यादा पसंद है, जीप रेंगलर या महिंद्रा की थार? दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है।